मेरा सवाल यह है कि जो बैंक का सूद होता है उसे क्या जी हम किसी ऐसे इंसान को दे सकते हैं जो हराम मांग रहा हो, मसलन के लिए कि कोई घूस मांग रहा है? जी जी रिश्वत वगैरह में दे सकते हैं क्या? जी जी शेख, अक्सर ये सवाल किया जाता है शेख, रिश्वत में हो या इंश्योरेंस वगैरह में हो, बाइक वगैरह के, तो क्या उसमें दिया जा सकता है शेख जी ये अमाउंट? बिल्कुल। भाई का सवाल ये है कि बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं, जाहिर है हमारे यहाँ सारे बैंक सूदी बैंक हैं, और जब हम उसमें पैसा जमा करते हैं तो उससे हमें सूद मिलता है, तो जो सूद की रकम मिले हम उसको क्या करें? तो आपके सवाल पर डायरेक्ट आने से पहले एक और चीज मैं तमहीद के तौर पर जिक्र कर दूं कि किसी भी सूदी बैंक में पैसा जमा करना ये मजबूरी की सूरत में जायज है। ये जी अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो जायज नहीं है, ये मजबूरी की सूरत में जायज है। और जाहिर है हमारे मुल्क में बहुत सारे निजाम ऐसे हैं कि हमें बैंक में पैसा जमा करना ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ऐसे बैंक अवेलेबल नहीं है जो बगैर सूद के चलते हुए। सूदी बैंक दरअसल एक लानत है पूरी दुनिया पर, पूरी आलमी बिरादरी पर, और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे लोग इससे निकलेंगे जब उनको इसकी खतरनाकी का इल्म होगा, लेकिन फिलहाल सारे बैंक सूदी हैं और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बैंक के अंदर पैसा ना जमा करें। इसलिए सबसे पहले आप ये समझें कि आप जो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं ये आपकी मजबूरी है। ये नुक्ता समझना इसलिए जरूरी है कि किसी हराम काम का इर्तिकाब करना मजबूरी की सूरत में जायज है हमारी शरीयत में, लेकिन साथ में ये अकीदा होना चाहिए कि ये चीज हराम है और मैं इसको अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। उसकी हुर्मत का जो अकीदा है वो अगर आपके दिल के अंदर नहीं होगा तो इसका, और आप अपनी रजा और रगबत से करेंगे, तब तो नाजायज होगी वो चीज। तो उसकी हुर्मत का अकीदा होना आपके दिल के अंदर जरूरी है। कुरान करीम की जो आयत है, इल्ला मन उकरिहा वकल्बुहु मुतमइन्नु बिल ईमान, अगर मजबूरी की हालत में कलमे कुफ्र आपको कहना पड़े तो जायज है, लेकिन यह शर्त है कि आपका दिल ईमान पर मुतमइन हो, उस कुफ्र से राजी ना हो। तो अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो इतना कम से कम जानना आपके लिए जरूरी है कि ये चीज हराम है, आप उसके हराम होने का अकीदा रखें। अब जब आपने बैंक के अंदर पैसा जमा कर दिया मजबूरी की सूरत में, तो आपको उससे सूद की रकम मिलेगी। तो अब वो जो सूद की रकम है आप उसको क्या करें, ये आपका सवाल है मेन। तो जी सर, वो जो रकम आपको मिल रही है, उस रकम को आप किसी ऐसी जगह पर खर्च नहीं कर सकते जिससे डायरेक्ट आपको फायदा हो रहा हो। आप ये उसूल याद रखें एक लाइन का, कि उस रकम को किसी भी ऐसी जगह पर आप नहीं लगा सकते जिसका फायदा, जिसका नफा डायरेक्ट आपको हो रहा हो, बाकी और किसी जगह पर भी उसको आप दे सकते हैं। आप रिफाहे आम्मा में किसी जो है वेलफेयर वाले काम में आप खर्च कर दें, कोई गरीब मोहताज है, परेशान हाल इंसान है, आप उसको दे दें, लेकिन देते वक्त ये याद रखें कि उसका फायदा डायरेक्ट आपको नहीं होना चाहिए। इसकी वजह जी यह है कि वो सूद जो है आपने हासिल किया है, वो आपकी कमाई है, और हराम माल अगर कमाई की वजह से हराम है, वो फी नफ्से ही हराम नहीं है, तो वो कमाने वाले के लिए वो माल हराम होता है, वो माल दूसरों के लिए हराम नहीं होता है, क्योंकि आपने हराम जी तरीके से कमाया तो आपके लिए हराम है, लेकिन आप जब किसी और को देंगे तो वो उस आदमी को हराम तरीके से नहीं मिल रहा है, इसलिए इसलिए उस आदमी के लिए वो माल हलाल होगा। जैसे जो रुपया है, जो करेंसी है, कागज का नोट, भाई उस नोट के अंदर कोई जो है हुर्मत थोड़ी छुपी हुई है, वो नोट हराम नहीं है, वो नोट जी आपके लिए इसलिए हराम हो गया है कि आपने उसको हराम तरीके से हासिल किया है, लिहाजा वो नोट आपके लिए हराम है, दूसरों के लिए हराम नहीं है। तो उस नोट को आप ऐसी जगह पर खर्च नहीं करेंगे जिससे डायरेक्ट आपका फायदा हो रहा हो, और किसी जगह पर आप उसको दे देंगे, और जहां पर भी आप उसको देंगे आपकी नीयत सदका की या सवाब की नीयत नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि वो हराम माल है आपके लिए और आप हराम माल को सदका नहीं कर सकते। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह तय्यिब है और अल्लाह रब्बुल आलमीन तय्यिब और पाकीजा माल ही कबूल फरमाता है। तो आप उस माल को सदका या सवाब अज्र की नियत से आप किसी को नहीं देंगे, बल्कि उससे छुटकारा हासिल करने के लिए देंगे, क्योंकि जाहिर है उस माल को आप जाये तो कर नहीं सकते। उसको जाये करना, फाड़ के फेंक देना या उसको जला देना, ये जायज नहीं है, क्योंकि वो एक माल है। लिहाजा आप उसको किसी भी वेलफेयर वाले काम में आप लगा दें, किसी गरीब मोहताज को आप उसको दे सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि उससे डायरेक्ट आपका फायदा नहीं होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है कि रिश्वत में देना, देखिए रिश्वत का मसला भी एक मुस्तकिल मसला है। रिश्वत देना भी हराम है, लेना भी हराम है। अब ऐसी सूरत में आपके लिए पहली बात तो रिश्वत देना जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं कि आपका हक कहीं पर फंसा हुआ है और उस हक को हासिल करने का और कोई रास्ता आपके पास नहीं है, आपका हक है वो, आपका साबित हक कहीं पर फंसा हुआ है और उसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं है, ना तो आपके पास कोई कानूनी रास्ता है, ना तो आपके पास इतनी ताकत है कि आप उसको हासिल कर सके अपना हक, ऐसी सूरत में रिश्वत देना आपकी मजबूरी है, तब रिश्वत देना आपके लिए जायज होगा। लेकिन ये बात आप याद रखें कि वो हक जिसके लिए आप रिश्वत दे रहे हैं वो आपका साबित हक होना चाहिए कि आप ही का है। साबित का मतलब वो किसी दूसरे इंसान का नहीं है, वो आप ही का है, और वो जो सामने वाला है नहीं दे रहा है और आपकी इस्तेदात नहीं है कि आप उसको किसी तरीके से हासिल कर सके, ऐसी सूरत में आपके लिए रिश्वत देना जायज होगा। अब आपका जो असल सवाल है कि वो जो सूद की रकम है कि क्या हम ऐसी सूरत में रिश्वत के तौर पर उसे दे सकते हैं, आप यहां पर यह गौर कीजिए कि वो रिश्वत देना आपके लिए मजबूरी की सूरत में जायज हुआ जी। अब जाहिर है वो रिश्वत आप अपनी जेब से देंगे। अगर आप अपनी जेब से वो रिश्वत ना दे करके वो सूद की रकम आप दे रहे हैं रिश्वत में, तो क्या आपकी जेब वाली जो रकम है वो बच रही है कि नहीं? वो बच रही है, उससे आपका फायदा हो रहा है डायरेक्ट। भाई अगर वो सूद वाली रकम ना देते तो आप जेब से देते, अब जेब वाली रकम उस सूद वाली रकम की वजह से बच रही है, इसका मतलब उसका फायदा डायरेक्ट आपको हो रहा है। तो लिहाजा रिश्वत में सूद की वो रकम देना आपके लिए जायज नहीं है। हां अलबत्ता अगर कोई दूसरा शख्स है, आपके पड़ोस में कोई परेशान हाल आदमी है, उसको कहीं पर रिश्वत देने की जरूरत पड़ रही है और मजबूर है रिश्वत देने के लिए, उसके पास पैसे नहीं है, उसको आप वो पैसा दे दीजिए सूद का, वो जाकर के रिश्वत दे देगा, क्योंकि उसमें आपका कोई फायदा नहीं है। लिहाजा अपने रिश्वत के लिए वो सूद की रकम देना आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि इसका फायदा डायरेक्ट आपको पहुंच रहा है।